हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी 11 बज रहे होंगे, 10:30-11। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ अपने कपड़े, तो फटाफट से कपड़े फैला देती हूँ। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ऊपर मैं कपड़े डाल के आ गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ नीचे खाना बनाने के लिए, क्योंकि पति देव जी को अचानक आ गया है, कहीं बाहर जाना है उनको, और बस निकलना है अभी। 12:30 पर निकल जाएंगे, तो अभी टाइम कुछ 11:30 हो रहा है, बस आधा एक घंटा है मेरे पास, तो फटाफट से जाके बनाती हूँ खाना। मम्मी जी ने कहा था कि गौरी आज कढ़ी बना लेना, छाछ रखा हुआ है, क्योंकि मलाई निकाली थी कल तो उसका मठा बच गया था। तो मैंने कहा चलो कढ़ी बना लेते हैं, जल्दी भी बन जाएगा, दाल बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो चलो पहले चलती हूँ नीचे खाना बनाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ किचन में और खाना बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड को जाना है बाहर, अचानक से फ़ोन आ गया था तो उनको निकलना है, तो कढ़ी बनाने जा रही हूँ। तो कढ़ी बनाने से पहले मैं हमेशा चावल बनने के लिए रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं मम्मी ऐसा ही करती थी मेरे, मतलब मायके में हमेशा मम्मी कढ़ी बनाने से पहले चावल बनाती थी। तो यहाँ पहले मैं चावल बना लेती हूँ, और हमेशा मैं चावल को पहले भिगोती हूँ, पर आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं भिगो नहीं रही हूँ, और ऐसे ही चढ़ा दूँगी, थोड़ा सा घी उसमें डाल दूँगी, जिससे क्या वो अच्छे से फूल जाएंगे और बिखर जाएगा एक एक चावल, नहीं तो घी नहीं डालूंगी तो और सॉफ्टनेस नहीं आएगा। और यहाँ पे नायशा पता नहीं क्या लेकर आ गई थी मुझे, तो मैं कह रही थी नायशा बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास देखने का। तो यहाँ पर कढ़ी के लिए मैं बेसन निकाल रही हूँ, बेसन हमारे यहाँ हमेशा इकट्ठा पिसवा लेते हैं, ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा, और ना जो रेडीमेड पैकेट वाला आता है ना, वो भी बेसन मम्मी जी पापा जी यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा जो चने की दाल का बेसन पिसता है। ड्यूटी पे आज उनको बाहर जाना था, अचानक से फ़ोन आ गया, और 12 बजे कोई खाना बन पाता है यार, मुझे बच्चे भी देखने होते हैं और भी बहुत सारे काम हैं, तो गुस्सा होकर चले गए कि खाना नहीं बना अभी तक। या तो तुम मुझे पहले बता दो हाँ कि खाना बना के, तो मैं उस हिसाब से अपना काम मैनेज करूँ। मेरा खाना क्या 1-1.5 बजे तक सब लोग खाते हैं, कितना भी आप जल्दी बना दोगे ना, तब भी 1.5-2 बजे तक ही खाना खाएंगे, क्योंकि नाश्ता हैवी हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट खाते हैं। सबको खुश नहीं कर सकते भैया, सबको खुश नहीं कर सकते, हो जाओ गुस्सा, मना लेंगे और क्या करेंगे। चलो भाई, हम तो अपना बनाए अपने लिए और सास ससुर जी के लिए। हाँ तो अभी मैं देखती हूँ आके, नायशा वैसी की वैसी ही रखना कॉपी, आ रहा मैं पानी। हाँ ढूंढ लो। मैं क्या करती हूँ, जो पानी है ना, जो वेस्ट जाता है ना, उसको क्या करती हूँ, यहाँ पे एक टंकी रख देती हूँ, तो इसमें पानी जो वेस्ट वाला है ना वो भर लेती हूँ, क्योंकि वैसे ही आजकल पानी की इतनी कमी है, और फिर इससे क्या बर्तन वगैरह भी धुल जाते हैं, और उसमें भी डाल दो, प्लांट में भी डाल दो। तो यहाँ मैं बेसन धो लूँ भाई, हस्बैंड भी गुस्सा होकर चले गए, अब मैं फोन नहीं लगाऊंगी, खुद ही शाम को आएंगे तो बात करेंगे। क्यों मेरी सखी सहेली, कितना भी कुछ कर लो ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही जाती है। अब देखो आज इसी बात पे गुस्सा हो गए, खाना नहीं बना के दिया, अब मुझे एकदम से क्या बना दूँ, कढ़ी इतनी जल्दी बन पाएगी। और देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, इसीलिए मैंने पता है चावल जल्दी बना दिया, सबसे पहले मैंने चावल चढ़ाया, मैंने कहा जल्दी से कढ़ी बना दूँगा, तो टाइम तो लगता ही है, देख सकते हैं यहाँ पर चावल बन। चलो जाने, तो यहाँ पर बनाना स्टार्ट करती हूँ कढ़ी। तो यहाँ मैंने बेसन लिया है, और बेसन में अब सारी चीज़ें मिला लूँगी, बेसन मैंने 1 कटोरी लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, और आज इस बेसन में मीठा सोडा वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी, खूब अच्छे से मैं फेंट लूँगी, जिससे जो हमारे हम पकौड़े वगैरह बनाएंगे, भजिए बनाएंगे कढ़ी के लिए, तो वो अच्छे फूल जाएँ। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, हमेशा बेसन में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी मिर्च सारी चीज़ें डाल लेती हूँ, क्योंकि फीके फीके पकौड़ी ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ चलो मैं भजिए तोड़ लेती हूँ फटाफट से।
तो फ्रेंड्स दोबारा से मैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को पसंद हैं बहुत ज़्यादा ये वाले भजिए। तो बच्चे किचन में आने लगते हैं कि मम्मा क्या बना रही, तो उनके लिए भी मैं तो फ्रेंड्स जो ये बचा हुआ बेसन है इसमें मैं मिला देती हूँ ये मट्ठा कह लो चाहे छाछ कह लो, और इसको मैं घोल के एक तरफ रख दूंगी। उसी कढ़ाई में हम अब फ्राई करेंगे। उस कढ़ाई का तेल मैंने थोड़ा खाली कर लिया और इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, जीरा, हींग, राई और थोड़ी सी डाली है मैंने मेथी दाना, कड़ी पत्ता। अब यहाँ पर जो ये छाछ है इसमें हम सारे मसाले मिलाकर रख लेंगे। तो यहाँ पर हरी मिर्च, कड़ी पत्ता हो चुका है, तो अब मैं इसमें जो ये छाछ मैंने घोल के रखा था, छाछ और बेसन सारे मसाले मैंने पहले ही मिला दिए, तो बस अब हम इसको चलाते रहेंगे। पानी मैं इसमें इससे डबल डालती हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी, 2 से 3 गिलास पानी अभी मैं इसमें और डालूँगी और लगातार मैं इसको चलाते रहूँगी। तो फ्रेंड्स मैं अपना खाना ना ऊपर लेकर आ गई, क्योंकि आज है नहीं पतिदेव जी साथ में खाने के लिए। वैसे मम्मी जी खाती हैं हमेशा पापा जी के साथ में ही, तो उन्होंने खाना खा लिया आगे, और बच्चों को भी मैं यहीं ले आई हूँ। अनेक झूठा नाटक करके सो रहे थे कि मुझे खाना ना पड़े। बताओ आजकल के बच्चे ऐसे हैं। हाँ मैंने बताया था आपको कि भैया सो रहे, फिर मैं ऊपर इतनी जल्दी ऊपर आई खाना लेके, फिर भी बोलता है सोते मम्मा आ रहे, मैंने बता दिया था। तो खाना नहीं खाना है उसके लिए बहाने हैं। आवाज़ कम करो बेटा टीवी की। तो बस अभी मैं खाना खा लेती हूँ और मैं लाई हूँ अपने लिए कड़ी चावल, थोड़े से आलू बने थे सूखे सुबह, और एक रोटी है। नहीं गिरेगी बेटा। तो चलो मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स हम लोगों ने खाना खा लिया है और हम बैठे हैं आगे वाले रूम में। बस अब हम जाएंगे अपने पीछे वाले रूम में और थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे। इनको भी सुलाऊंगी क्योंकि आज इनके पापा हैं नहीं, तो इनको सुला दूंगी, वरना पूरी दोपहर इन लोगों की मस्ती ही रहती है। और यहाँ अनिक का कलर देख सकते हैं आप, अनिक ब्लैक हो रहा है। और नायशा हमारी खाना खा चुकी। नायशा एक काम कर दो प्लीज़। क्या? थोड़ी सी आइसक्रीम खिला दो मुझे आज। हाँ नीचे से ले आओ बेटा। मैं तो 2 मिनट में ले आऊंगी। पूरा डिब्बा लेके आना, मैं अपने हाथ से निकालूंगी, ठीक है? पूरा बॉक्स लेके आना, जल्दी आना। तो नायशा गई है नीचे आइसक्रीम लेने के लिए। भी आई कुछ तो दाल में काला लगा मुझे, तुमने पहले से ही निकाल के रखी थी क्या? और जे इतनी सी आइसक्रीम, मैंने तो तुम्हें पूरा डब्बा बोला था बॉक्स लाने को। मुझे खत्म हो जाएगी वो। इतने आजकल ये इतनी स्मार्ट है ना ऐसा कि मैं आपको क्या बताऊं। सुबह मैंने जब 10 बजे के टाइम अब इसकी दादी ने कहा कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो ये थोड़ी सी आइसक्रीम दे रही है दादी के लिए। दादी प्लीज़ कम लो ना, आइसक्रीम ख़त्म हो जाएगी। और मुझे भी ये जरा सी ला के दी, इसने ये पिघली हुई सी। तो पिघलती जाती है। और सुबह से बंदी खुद तो 3-4 बार खा चुकी है ना, ख़त्म तब ख़त्म नहीं होगी है ना। चलो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार देते रहें। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ, बोल दो सबको बाय बाय, नमस्ते बोलो। कल के ब्लॉग में देखना आप। हाँ क्या देखना, आइसक्रीम नायशा की चल रही है अभी तक।